हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर कल्शी क्लासेस। आशा है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आज पेपर था, तीनों पेपर आपके अच्छे हुए होंगे और उम्मीद है कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, ये सेट ए के कुछ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, तो उनके पेपर्स के हम सोल्यूशन दे रहे हैं। आप देखिए उनको, अब मिलाइए और इनके जो सारे हल है वो लिंक दिया हुआ है, लिंक से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें पूरे वैल्यू में 2 only 23 टाइम होगा और 5 20 टाइम होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की वैल्यू जो आएगी वो 20 टाइम आएगी, यानी 20 टाइम 0 बन के तैयार होगा। अगर 20 टाइम 0 बन के तैयार हुआ तो n की वैल्यू आपको 20 रखनी है, n की वैल्यू 20 रखनी है। आपका आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें n की वैल्यू अगर आप रख दें तो इसको 2 और 5 में आपको ब्रेक करना है। 2 और 5 में ब्रेक हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कि 20 टाइम आपके इसमें 0 क्रिएट हो रहे हैं, और 20 टाइम 0 क्रिएट हो रहे हैं इसका मतलब 10^10 20 से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। इस तरह से आप देख लोगे कि 2 जो है हमारा, क्योंकि 0 जब भी बनेगा तो 2 × 5 से ही बनना होता है। 2 × 5 का मतलब एक इवेंट नंबर होना चाहिए और 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 2 की टोटल वैल्यू इसमें आ रही है 23 टाइम और 5 की टोटल वैल्यू आ रही है 20 टाइम। जब इनको हम देखेंगे तो मिनिमम पॉसिबल जीरोज कितने सारे बन सकते हैं, 20 पेयर बन जाएंगे 2 × 5 के, और इस तरह से n की वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी। आइए हम सेकंड क्वेश्चन बात करें। देखिए इसमें ये पूछा गया है कि इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट क्या होगी, कि निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब आप देख सकते हो जब इस नंबर को हम देखते हैं, हम जानते हैं 3 हर चौथी बार में 1 आता है, 3 × 3 × 3 × 3 हर चौथी बार में 3 1 रिजल्ट देता है। तो हमने क्या किया, 98 को हमने दो भागों में तोड़ना है। एक भाग बड़ा सा हिस्सा होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, एक छोटा हिस्सा जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको स्प्लिट इनटू 2 टर्म। अब 3 चूँकि 4 टाइम एवरी 4 टाइम वो 1 होना है उसको, तो एवरी टाइम 4 टाइम अगर 1 होना है तो 96 टाइम भी 1 हो जाएगा और 3 से 9 हो जाएगा। अब इसको जब हम ब्रेक करते हैं 89 को, तो 88 और इनटू 1 में करते हैं, 88 प्लस 1 में करेंगे तो 388 टाइम में तो 1 आ जाएगा और 3 पावर 1 3 हो जाएगा, 1 3 या 3, यानी इसका यूनिट डिजिट 9 होगा, इसका यूनिट डिजिट 3 होगा, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे हमारा आंसर 6 हो जाएगा। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। आइए हम तो थर्ड पर बात करते हैं। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे उसमें ये पूछा गया है कि 4 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 294 है, तो बताइए उस संख्या अंकों का योग क्या होगा, उनकी संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने लेट किया हुआ कि मान लो पहली संख्या x होगी, दूसरी x प्लस 1 होगी, x प्लस 2 होगी, x प्लस 3 होगी। अब इनका होल स्क्वायर किया गया और फिर जोड़ करके 294 हो गया, तो इसका होल स्क्वायर x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसका होल स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9x इक्वल टू 294। तो आप देखोगे x x स्क्वायर 4x स्क्वायर आपका यहाँ बन गया, और फिर आप देखोगे 6x 4 10x 2 12x हो गया, माइनस इधर हो रहा 1 और 4 5 9 14, 14 प्लस है इधर से आएगा तो माइनस 294 और प्लस 14 माइनस 280 होगा। और जब हम इसको 4 से रिड्यूस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 0 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 10 आई, x की वैल्यू 7 आई, चूँकि पॉजिटिव बोल रहा है तो हमारा पहला नंबर 7 हो गया। अगर पहला नंबर 7 हो गया तो दूसरा 8 हो गया, तीसरा 9 हो गया, चौथा 10 हो गया, इसी को ऐड करके मुझे बताना होता है। तो चलिए 10 9 19 27 और 7 34, ये आपका आंसर बन रहा है 34। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था ये। आइए देखिए पहला क्वेश्चन ये था, एक फोर्थ क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इजकल टू 0, और ये बताया जा रहा है कि p और q इसके रूट्स है, और ये भी बताया गया कि q की वैल्यू 0 नहीं है। अब q की वैल्यू 0 नहीं तो आप जानते होंगे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दे रखी है p और q की, और माइनस बी बाई ए करेंगे तो ए की जगह पर कुछ नहीं है तो माइनस पी मैंने किया। अब q की वैल्यू जब उधर जाएगी तो माइनस 2p हो जाएगी, q इजकल टू माइनस 2p। अब यहाँ पर अगर हम p की वैल्यू 1 रखते तो माइनस q की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2, और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए पहला चौथा क्वेश्चन आपका हो गया, ये रहा। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 35।
उनके वर्गों का अंतर 35 होना चाहिए। मतलब सर सपोज करो दोनों नंबर्स ए और बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35। अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक करें तो ए प्लस बी ए माइनस बी में हो सकता है। और अगर हम 35 को ब्रेक करते हैं तो दो सिचुएशन हो सकती है, 1 × 35, 5 × 7। तो अब चूंकि दोनों नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होता है इसका मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब जो a प्लस बी की वैल्यू होगी 35 होगी और a माइनस बी की वैल्यू होगी 1 होगी। इसको सॉल्व करने पर एक पेयर ये मिल जाता है 18 और 17। आप देखोगे 18² = 324, 17² = 289, इन दोनों का डिफरेंस 35 मिल जाएगा। अब एक सिचुएशन यहाँ भी हो सकती है कि a प्लस बी की वैल्यू को हम 7 रखते हैं, a माइनस बी की वैल्यू हम 5 रखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक पेयर और बन जाता है आपको, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 1। a की स्क्वायर देखिए 6² = 36, 1² = 36 - 1 = 35। यानी कुल दो पेयर ऐसे मिल पा रहे हैं इस अपने नेचुरल नंबर्स में जिनके स्क्वायर के मतलब डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 35 है। तो इस तरह से आप इसको ब्रेक करके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए छठवां क्वेश्चन आपका है, सिक्स क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मूल दे रखा, इसका एक रूट दे रखा है बी माइनस सिक्स। तो बता रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की जगह पे आपको b माइनस सिक्स रख देना। जब x की जगह पे b माइनस सिक्स रख देंगे तो आप इसको ब्रेक करते चले जाएंगे। देखिए b माइनस सिक्स हो सकता है माइनस सिक्स, x की जगह पे आप b माइनस सिक्स रख देंगे प्लस b बराबर 0। आप इसे पूरा ब्रेक करेंगे तो ये आपका एक और नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ये नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा तो आप इसको ब्रेक करेंगे दो भागों में, 9 और 8 में, 9 8 17 और 9 8 72। और आपका ये जब ब्रेक करते जाएंगे तो x की वैल्यू आपके 9 बन जाएगी, x की वैल्यू आपकी एक मूल आपका b आ जाएगा 9, एक मूल आ जाएगा 8। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो 9 का वर्ग करेंगे आप 81 आ जाएगा, अगर कम की वैल्यू पूछी जाती तो आपका 64 उत्तर हो जाता। तो ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, केवल x की जगह पे आप उसकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 81 आ जाएगी। आपका ऑप्शन है डी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आइए देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। ए की वैल्यू गिवन है और पूछा गया है कि ए प्लस 1/a की वैल्यू बताएं, फिर क्या करेंगे। देखो ये जो वैल्यू होती है इसका हमें ये देखना है कि ये हमें बड़ा वाला रूट हटाना, बड़ा वाला रूट हटाना मतलब इसको हमें स्क्वायर टर्म में लेना, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल के इसका स्क्वायर करना। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको आप 2 × 2 कर सकते हैं, 2 × 2, तो इसका एक 2 अंदर डाल देंगे क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हमें दो नंबर ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर मुझे 7 आए और ये जो 2 अंदर है क्योंकि प्लस 2ab होता है, मुझे 4 नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। तो इस 2 को मैं अंदर ले जाऊँगा तो अंदर जाएगा तो 2 × 4 = 12 हो जाएगा, कि इस फ्रेम में हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अब आपको सोचना है दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आए, तो ऐसे सब नंबर आपको मिल जाएंगे 4 और 3। तो आप इसको लिख सकते हो √4 + √3 का ये होल स्क्वायर है। आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर जब हम रूट चढ़ाते हैं तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी ए की वैल्यू आपके सामने इस तरह से आ गई। अब ए की वैल्यू अगर यह है तो 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 + √3, और तब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो फिर यह वैल्यू आ जाएगी 2 - √3। अब बताओ अगर हम इसको जोड़ेंगे ए प्लस 1/a तो ए की वैल्यू यहाँ पर रखी है और 1/a की वैल्यू यहाँ पर रखी है, जोड़ेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 + 2 = 4 आ जाएगा। ये आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। देखिए एथ क्वेश्चन आपका है, ये वैल्यू थी इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, अधिकतम मान बताना है। तो मैंने क्या किया, इसकी सारी वैल्यू को वाई ले लिया। अब अगर सारी वैल्यू को आप वाई लेते हो तो ये सारी वैल्यू इधर जाएगी तो ये बन जाएगा x²y + 5xy + 10y = 1। अब इस 1 को जब हम अंदर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है x²y 5xy + 10y - 1 = 0। अब आप जानते होंगे कि b²-4ac > 0 होना चाहिए अगर उसके हमें रियल वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि b²(5y²) - 4ac (4ac) = 0। तो जब इसको फॉलो गया तो 25y²-4y/10y से मल्टीप्लाई करोगे 40y², और ये माइनस माइनस वैल्यू प्लस हो जाएगी > 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो -15y²+4y > 0। तो जब आप माइनस चेंज करोगे उस साइड में तो फिर आपकी ये चेंज हो जाएगी वैल्यू > हो जाएगा। तो यहाँ पे हम y कॉमन ले लेंगे, y जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 15y - 4
इज लेस आर इक्वल टू जीरो, तो ये वाई की एक वैल्यू तो जीरो आ जाएगी और वाई की एक वैल्यू जब उस साइड जाएगा तो 4 + 4/15, तो हमें क्या लेना होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि मुझे मिनिमम लेनी नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/15। ये 4/15 आपका ये विकल्प आ रहा है, डी ऑप्शन आपका सही जा रहा है आपके 8वां क्वेश्चन में। देखिए इस तरह से आप इसको ब्रेक करके कर सकते हैं। देखो इसमें तो आप चाहते तो कुछ क्वेश्चन कुछ लाइन आप गैप भी कर सकते थे, लेकिन हमें सोल्यूशन देना तो मैंने सारी बात लिख दी है, तो आप सोचोगे ना टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, बिल्कुल किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन आपका, x-3 दिनों में x+2 श्रमिकों का काम और x-2 दिनों में x+4 श्रमिकों का काम का जो रेशियो है 3:4 है। आप जानते होंगे कि आदमी का और दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई करके आप टोटल वर्क निकालते हो, यूनिट में आ जाता तो इनका मल्टीप्लाई इनका टोटल वर्क ये 3:4 में आ गया। तो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया x2, इसको देखिए 2x और -3x -6 और 3 × 2 = 6 -6, फिर x2 यहाँ पे, फिर 4x -2x 2x और फिर -4 = 8 -8 और 3 × 4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता 4x² -4x -4 × 24 और ये हो जाएगा 3x² +3 × 2 = 6x और -24। अब क्या हुआ, 3x² आप इधर लाते हो तो इधर x² बचा और ये -6 + 6² इधर लाओगे +6 तो इधर आ जाएगा -10x और ये -24 कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे आप x की वैल्यू कॉमन लेते हो, x-10 = 0। अब x की वैल्यू 0 और x = 10। दरअसल कभी न आदमियों की संख्या 0 है न तो दिनों की संख्या 0 हो सकती, क्योंकि तब तो कोई काम होगा ही नहीं, इसलिए x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। आपका ऑप्शन है बी, ऑप्शन सही है 9th नंबर क्वेश्चन का। पेपर आपके बहुत अच्छे थे, आपने बहुत सही लगाया होगा ऐसा उम्मीद है। देखिए 10th क्वेश्चन आपका है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे यहाँ पे, आइए देखते हैं। लिखा न एक न तो अभाज्य है ना ही भाज्य। जी हाँ, पहला तो सही है। यहाँ पूछा गया कौन सही नहीं है, कैसे है, एक न तो अभाज्य है न तो भाज्य। अभाज्य क्या है, प्राइम नंबर और कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। क्यों, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आप जानते होंगे कि द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय मोर देन टू फैक्टर्स, और प्राइम नंबर की जो आपकी डेफिनेशन है वो ओनली टू फैक्टर, और जबकि वन के साथ क्या है, वन केवल एक ही फैक्टर का है, तो इसलिए एक न तो अभाज्य में जा रहा न तो भाज्य में जा रहा, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। जबकि इसमें कह रहा कौन सही नहीं है, इसका मतलब हमें पहला नहीं लेना। अब दूसरे में चलते, जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। जी हाँ, जीरो को ना तो आप पॉजिटिव कह सकते हो ना तो नेगेटिव कह सकते हो, जीरो न्यूट्रल वैल्यू होती है, तो इसलिए आपका दूसरा भी सही जा रहा। अब देखिए तीसरा, सी क्या लिख रहा कि पी इंटू क्यू सम संख्या है, तो पी और क्यू हमेशा सम संख्या होंगे, ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, आइए बात करते हैं। पी और पी इंटू क्यू सम है, देखिए कह रहा पी इंटू क्यू सम संख्या है, तो पी और क्यू हमेशा सम होंगे। अगर हमेशा सम होंगे अभी तो बात सही है, सम इंटू सम बराबर सम, आप जानते होंगे सम इंटू सम बराबर सम होता है, ये सही है। लेकिन आप सोचो अगर हम पी की जगह पे वन लेते हैं, वन एक विषम संख्या है, और क्यू की जगह पे हम 4 लेते हैं, तो बताओ क्या निकल के आएगा, क्या 4 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि पी की जगह पे मैंने एक विषम संख्या ले रखी है और तब भी आपका उत्तर सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रखा पी इंटू क्यू सम है, तो पी और क्यू हमेशा क्यू होंगे, हमेशा हमेशा। अब एक लिख देता हूँ, इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है कि इफ पी एंड क्यू इज इवन देन पी आर क्यू आर ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन। आप देख लो यहाँ तो ऑलवेज इवन नहीं है, जबकि मैं यहाँ कहता हूँ अगर 4 × 4 करें तो आपका आंसर 16 है, बिल्कुल सही है, इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन है। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ तो ऑड है, ऑड इंटू इवन इज इक्वल टू इवन दिख रहा है, तो आप ऑलवेज नहीं कह सकते, ऑलवेज कहेंगे तो फिर ये कैसे सही जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका ये सही नहीं है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। और चौथा जो अभी ऑप्शन है आपके पास, √2 इज इरेशनल नंबर, √2 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही बात है, √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको आप पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते। यानी आपका फर्स्ट यानी ए बी एंड डी ये एकदम ट्रू आंसर है, इसे फर्स्ट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब आपका विकल्प बनता है सी। यानी सी में जब ये कह रखा है कि पी और गुणा क्यू इज इक्वल टू सम संख्या है, ये ऑलवेज ऐसा होगा, पी और क्यू ऑलवेज सम संख्या होंगे, तो ये ऑलवेज शब्द गलत है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन सही है।
तो आइए देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन आपके सामने किए, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसके सारे आंसर देख सकते हैं और मुश्किल नहीं है, बहुत मज़ा आएगा, अध्ययन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।